बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने चार बरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अकलियत मुसलमान है 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, ख़वातीन नहीं है? वतन अजीज़ में सबसे गरीब मुसलमान है, सबसे ज़्यादा नाख्वानगी मुस्लिम ख़वातीन में। AIDS और PLFS का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे हैं और कंजम्पशन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बनिस्बत सबसे कम है। तालीमी इदारों में मैडम 15 और 24 साल की उम्र में भर्ती एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29%, शेड्यूल कास्ट की 44, हिंदू OBC के 51% और हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। PLFS का 2018-19 का डेटा विजन प्लस बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान हिंदू सिख ईसाई ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों का ना रोज़गार मिलता है, ना तालीम के मौके, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का एक अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है।